पूर्णिया का घुसखोर भू अर्जन पदाधिकारी चढ़ा निगरानी विभाग के हत्थे। पूर्णिया के भू अर्जन पदाधिकारी अरविंद कुमार भारती को निगरानी विभाग की टीम के द्वारा 1,30,000 रुपए रिश्वत लेते उसके कार्यालय से रंगे हाथ धर दबोचा गया, जिसके बाद निगरानी विभाग के द्वारा गिरफ्तार भू अर्जन पदाधिकारी को पटना स्थित निगरानी विभाग के कार्यालय पूछताछ लेकर लाया गया, जहां से घुसखोर भू अर्जन पदाधिकारी को भागलपुर व्यवहार न्यायालय स्थित निगरानी विभाग के विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से निगरानी कोर्ट ने पूर्णिया के भू अर्जन पदाधिकारी अरविंद कुमार भारती को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। निगरानी विभाग के DSP सुरेंद्र कुमार महुआर ने बताया कि भू अर्जन पदाधिकारी के खिलाफ पूर्णिया के ही रहने वाले नीतीश कुमार राज नामक एक व्यक्ति ने राष्ट्रीय राजमार्ग में जमीन अधिग्रहण होने के बाद उनकी मुआवजा राशि 31,59,000 रुपए देने के एवं 1,30,000 रुपए रिश्वत देने की मांग की, जिसके बाद नीतीश कुमार राज ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग के अधिकारियों से की। निगरानी विभाग की टीम ने आवेदन के आलोक में मामले की जांच पड़ताल की और मामला सही पाया, जिसके बाद निगरानी विभाग की टीम के द्वारा पूर्णिया के भू अर्जन पदाधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा गया। हम आपको बता दें कि जुलाई माह में निगरानी विभाग की टीम ने दूसरी बार पूर्णिया में कार्रवाई की है। कुछ दिन पूर्व ही पूर्णिया के श्रम अध्यक्ष को निगरानी विभाग की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। रिपोर्टर अमरजीत सिंह, भागलपुर।